हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान में एक और नई भर्ती आ चुकी है। डेट है 22/1/2019। अभी जस्ट 3 सेकंड पहले ये नोटिफिकेशन आया है। भर्तियों की संख्या है 62। भर्ती का नाम है अन्वेषक। इंग्लिश में बात करें तो इन्वेस्टिगेटर इसे कहा जाता है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसका बेसिकली काम ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करता है अलग अलग थिंग्स को। जैसे मान लीजिए कि फूड में इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फूड इंस्ट्रक्टर होते हैं, उसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट में होते हैं, उसी प्रकार से सांख्यिकी डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेटर की ये भर्ती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले बता देता हूँ, 62 पद है, ज़्यादा पद नहीं है, लेकिन भर्ती अच्छी है और एक यूनिक टाइप के स्टूडेंट इसको भर पाएंगे। आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 02/2019, यह है 2019 का 02, समझ गए, मतलब दूसरा विज्ञापन है 2019 का ये, ठीक है। इससे पहले एक विज्ञापन साइंटिफिक असिस्टेंट का निकल चुका है RSSB की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, क्या है आवेदन की प्रक्रिया, कैसे होती है। आप सबको पता है 2018 में बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। SSO पोर्टल पर जाइए और आवेदन कर दीजिए। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ़ोन नंबर ढंग से लिखने का, और अपने नाम और अपने पिताजी के नाम के बीच में कोई स्पेस होना तो उसको देख लेना, और जो स्पेस हो स्पेस देना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। कब दिक्कत होगी, नौकरी लगने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन होगा ना तब दिक्कत होगी। अभी बता देता हूँ, ई मित्र से भर सकते हैं। प्रवेश पत्र की जानकारी आपके मोबाइल पर दे दी जाएगी, ईमेल आईडी के माध्यम से दे दी जाएगी, SSO पोर्टल पर आ जाएगा और हम बता देंगे। गैर अनुसूचित यानी कि नॉन TSP के जितो यहाँ पर सीटें दी गई है वो दी गई है 56, और TSP की 6 सीटें हैं। TSP में अपने जो है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, थोड़ा सा उदयपुर का पार्ट और प्रतापगढ़ भी, अब संपूर्ण प्रतापगढ़ आने लग गया। पहले छोटी साड़ी वाला जो हिस्सा था वो नहीं आता था, जो चित्तौड़ से संबंध में है, अब वो भी आता है, बढ़ गया क्षेत्र इसमें। तो यहाँ कंपटीशन बढ़ चुका है, पहले जितना, पहले बहुत कम था, काफ़ी ज़्यादा हो गया। और नॉन TSP में बाकी सारे जो इनको छोड़ दें अगर अपन, तो 12 के सहरिया प्रजाति को छोड़ दें तो बाकी सब नॉन TSP है, ठीक है। ये जिले बताया ना मैंने, प्रतापगढ़, ये सब इनको हटा करके। अब यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य के लिए 22 पद हैं, महिला के लिए 7 हैं, सामान्य की विधवा के लिए 2 हैं, प्रतिज्ञा के लिए 1 है। आरक्षण किस प्रकार से चलता है मैं आपको बता देता हूँ, पता नहीं होगा तो। सबसे पहले चुने जाते हैं विधवा, फिर उसके बाद चुनी जाती है तलाकशुदा, फिर उसके बाद चुनी जाती है जो महिला के अंदर आपका परित्यक्या होती है, यानी जिसको छोड़ दिया जाता है। तलाकशुदा और परित्यक्या एक ही बात होता है वैसे। फिर उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी, फिर उसके बाद एक्स आर्मी सर्विस वाला, फिर उसके बाद विकलांग, फिर उसके बाद एक विशेष विनर जो होता है, स्पेसिफिक उसको विशिष्टता प्राप्त हो तो वो चुना जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ST SC OBC वाला आरक्षण शुरू होता है, फिर उसके बाद जनरल आता है। समझ में आ गया कैसे चलता है आरक्षण, ऐसे होती भर्तियाँ, कटौती भी ऐसे निकलती है। सामान्य के लिए अनुसूचित जाति में भी ऐसा ही है, अनुसूचित जनजाति में भी ऐसा ही है, कुल मिला के पद भूतपूर्व सैनिकों के भी 7 पद यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि वेतनमान कितना रहेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 10 का है, वेतनमान तो ठीक ठाक ही है वैसे। अब 10 में कई लोग कह रहे हैं कि सर 38,000 से 36,000 वाला भी होता है, बहुत सी साइट पर अगर देखोगे तो वहाँ पर 44,000 वाला भी है। तो दोस्तों होता है ऐसे, ये बैंड चेंज हो जाते हैं, ग्रेड पे लेवल चेंज हो जाता है तो उससे समझ में आ जाता है। हालांकि ये कम वेतन नहीं मिलेगा, L10 है इसका मतलब वेतन ठीक है, क्योंकि आपको पता ना L5 वाली भर्तियों के लिए भी बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है आजकल। पात्रता क्या है, ये सबसे बढ़िया बात है, देख लीजिए। भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक अथवा कृषि अनुसंधान सांख्यिकी ICAR ये होता है, 12th की बात करते हैं अपन, इसका प्रमाण पत्र हो तो आप भर सकते हैं। तो या तो आपको कृषि अनुसंधान केंद्र है उसका प्रमाण पत्र लाइए, या फिर जो आपके स्नातक है BSc या BCom आप लाइए। आगे चलते हैं, BSc या BCom ना हो तो ये सांख्यिकी होना चाहिए और गणित होना चाहिए, भले BA हो। राष्ट्रीयता भारतीय की होनी चाहिए, स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है, ये कोई दिक्कत है ही नहीं। आयु यहाँ पर 18 साल से 40 साल तक आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप विशिष्ट कोटे से आते हैं तो आपको 5-5 साल का रेस्पेक्टिवली जो है आरक्षण मिलेगा और एज बढ़ जाएगी। पेंशन वेंशन सब मिलेगी। NPS लागू होगा भाई, जो नहीं जानते हैं वो जान ले। NPS होता है, न्यू पेंशन स्कीम, और ये बहुत दिक्कत कर रही है आजकल। जो नौकरी लगे हों उनसे पूछो क्या क्यों उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, हर एक चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, होना चाहिए।
परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि जो है यह है 24/1/2019 से 23/2/2019, यानी पूरा एक महीने का समय, एक महीने से भी ज़्यादा का समय, क्योंकि आज तो 22 ही तारीख है, एक महीने दो दिन का समय है। उसके बाद मैं आपको बता दूं परीक्षा का माह दिमाग मार्च अप्रैल कह रहे हैं, लेकिन ये तो गप्पा लगा रहे हैं, नहीं नहीं करवा पाएंगे मार्च अप्रैल, गारंटी के साथ कह दूँ। अरे करवा दे तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ भाई, अच्छा हो ना अपना बोर्ड सुधरे। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ये तो मैं बता दूंगा। और नियुक्ति के योग्यताएं जो सब कुछ दी हुई है, जो भी बाकी और में होती है वही इसमें है। आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के लिए कुछ नहीं है, SSO पोर्टल पर जाएं, आप जो भी कास्ट से आते हैं उस कास्ट का भरिए, आपका नाम भरिए, आपके पिताजी का नाम भरिए, आपके डॉक्यूमेंट का जो नाम वहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम एजिटीज होना चाहिए, भले आप कोई भी कुछ भी बुलाते हो, आपको एड्रेस सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, बाकी सब देख लेंगे, फोटो भी सही होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाता है और 300 रुपये इसके लगते हैं। श्रुति लेखन यानी कोई लिख नहीं सकता तो कोई बोलेगा और वो लिख देगा, ऐसा भी प्रक्रिया यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। कोई विकलांग हो तो स्पेशली कमेंट में पूछ सकते हैं, बता देंगे। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने के, कुल मिला के गलत सूचना ज़्यादा देगी तो फिर उसके लिए लीगल कार्रवाई हो सकती है, अगर वो सूचना इस प्रकार की होगी तो। अन्वेषक के पदों हेतु परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम, ये साइट है, इस पर मिल जाएगा, अभी दिया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देते एक साथ, जब इनके पास पाठ्यक्रम नहीं है तो नोटिफिकेशन क्यों बना देते हैं, पागल है बोर्ड वाले। बोर्ड की वेबसाइट ही ये है भाई, जान लीजिए। कुल मिला के कहने की बात यही है, नोटिफिकेशन तो निकल चुका है, पद आपके पास 62 हैं, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, आपका जो LDC है उसका रिजल्ट तो ये दे नहीं रहे, नोटिफिकेशन दूसरे निकाले जा रहे हैं। बढ़िया ये हो कि इस नोटिफिकेशन में एक डेट लिखी जाए, उसमें ये लिखा जाए कि ये जितना हम डेट बता रहे हैं मई अप्रैल, तो उसके साथ साथ ये भी लिखा जाए जून में इसका रिजल्ट होगा और अगस्त तक या सितंबर तक इनकी नौकरियां हम दे देंगे, नहीं देंगे तो जितने इन्होंने भरा उसका पैसे हम वापस दे देंगे, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। मैं इसके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे को समर्थन करें तो मैं आगे बोलूँ इस बारे में, भाई नोटिफिकेशन में ये डेट हो कि कब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी अगर इसमें आप पास हुए तो, ये बढ़िया होगा। क्योंकि वैसे तो हमारे अध्यक्ष साहब आते हैं बोर्ड के, कहते हैं एक महीने के अंदर अंदर LDC का रिजल्ट, भाई साहब आपका एक महीना कब होगा, अरे बताइए तो सही हमें, तो वही मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है 2016 वाली जो भर्ती है RS की, उनकी नियुक्ति नहीं मिल रही बेचारों की, RS पास कर लिया, टॉप कर लिया, तो भी वो धरना दे के बैठे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर। और कुछ गलतियां कहें या बुरा लगे तो लगे, मैं सही कह रहा हूँ, गलतियां ही हैं, ऐसे बार बार एग्जाम डेट आगे मत बढ़वाओ, ये तो चाहते ही हैं कि आगे बढ़ जाए, तो फिर ये तुम्हारे ऊपर पटक देंगे कि भर्ती इसलिए लेट होती क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं एग्जाम डेट आगे बढ़े, हम क्या करें। तो जितनी तैयारी है, समय मिलता है, काफ़ी ज़्यादा समय मिलता है, तैयारी करें और एग्जाम दें। फिलहाल ये धन्यवाद बने रहिए DS गुरु जी के साथ, कोई और बात होगी तो कर लेंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा क्या दिक्कत आ रही है आपको। थैंक यू।